डायरेक्टर साहब, जरा रेन इंडस्ट्रीज लेके आइए स्क्रीन पर। इस काउंटर का हम लोग स्वागत करते हुए दिखेंगे। एफएनओ क्षेत्र में जनवरी में बढ़िया बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। सुमित जी की टीम में आपको ये सम्मिलित दिखेगा। राजेश सतपुते साहब, रेन इंडस्ट्रीज 223 रुपए और शानदार वॉल्यूम के साथ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्राइस का ब्रेकआउट और अब आपके सामने जो लेवल दिख रहा है वो है 8 दिसंबर का। सर जी देखिए, रेन में ब्रेकआउट आया है, इसने अपने 10, 20, 50, 100 जितने भी डे में इसका कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस था इसको निकाला है, तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता है। इसका जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 238 टू 240, सो इट्स अ बाय अबाउट 218, 218, 220 का रेजिस्टेंस था, तो इसके ऊपर बाय बनता है, 215 का स्टॉप लॉस। वीरेन जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे रेन इंडस्ट्रीज पर? रेन इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे लिखाई डॉक्टर साहब, मेरे लिए प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। डे हाई पर आता हुआ स्टॉक आज की इस कैंडल के जरिए, और कल इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, याद रखिएगा। और कल क्लोजिंग दी थी इसने, और इसका इंट्राडे हाई था शायद 20 डे में, तो थ्रस्ट जनरेट किया इसने, और अब आज एग्जैक्टली इसने दो एवरेजेस और पार कर लिए, और वो थे लास्ट ड्यू एवरेज, और उसके बाद सप्लाई जोन जो था 223 का वो भी पार कर लिया। तो शैल जी, जितने सप्लाई जोन थे सारे एवरेजेस इसने काट ही दिए हैं। मेरे ख्याल से अब जिस लेवल पे हमें नज़र रखनी चाहिए वो है करीब करीब पहले ट्रांच में, वो है करीब करीब 231 से लेकर करीब करीब 234 की रेंज है। सचिदानंद जी, एक बार आप इस स्टॉक को देखिएगा, आप कैसे अप्रोच करेंगे? मेरे लिए तो अगर आप देखें सारे एवरेजेस कट गए, एक सप्लाई जोन जो था जो कि इसका 13 दिसंबर का हाई था वो भी कट गया, आपका टेक? देखिए, क्लियरली यहाँ पर एक ट्रेंड ब्रेकआउट है, एक लो टॉप लो बॉटम की ट्रेंड चल रही थी, उस पर्टिकुलर ट्रेंड से ब्रेकआउट हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रिवर्सल के ही फॉर्मेशन है। इनफैक्ट जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर 220 का लेवल ब्रेक हुआ है, मुझे लग रहा है काफ़ी बढ़िया मोमेंटम जनरेट होना चाहिए। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो लगभग अराउंड 238, 240 के जोन में ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग बायस ही रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 212 के आसपास, एंड खरीदारी करने की ही सलाह होगी रेन इंडस्ट्रीज में। 235 से लेके 240 मेरे लिए एक रिव्यू जोन होगा। रेन इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर आप देखें 224 पे आके ट्रेड करता है, कुछ देर में एक बार फिर से देखेंगे स्टॉक को, लेकिन याद रखिएगा 222-23 का जोन इसने काट दिया है। निफ्टी एक बार फिर दिखाइएगा, याद रखिएगा निफ्टी का आज का लो और जो हमारी मॉर्निंग की अप्रोच थी 20 डेमा के ऊपर, 50 और 100 डेमा के हमें ऊपर लॉन्ग रहना है, लेकिन अभी हमारा कल का 224 का हाई नहीं कटा है, और वो कटता है याद रखिएगा तो अच्छा मूव आएगा, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि निफ्टी को अकेला आइसोलेशन में इस वक्त फार्मा के साथ साथ रिलायंस स्ट्रेंथ सौंप रहा है, और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है वो जो 55 अंकों की स्ट्रेंथ है उसमें मात्र योगदान जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। मैं इन दोनों स्टॉक से फोकस करना चाहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बात करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 2415 याद रखिएगा, ये कॉल आइटर के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये राजेश सतपुते जी, आईसीआईसीआई बैंक को एक बार फिर देखते हैं, यही एकला चलो अगर आप देखें बिहेवियर लेके चल रहा है, और एक रिलायंस, आपको अगर इन दोनों में से किसी की कोई स्ट्राइक पकड़नी हो तो आप कौन सी स्ट्राइक पकड़ेंगे? वीरेन जी देखिए, अगर आपको प्योरली एक मोमेंटम है जहां पे क्लैरिटी है तो वो है फर्स्ट रिलायंस, और अगर आपको याद है कल इसका ये पहला मेरा मॉर्निंग कॉल था, और मुझे अभी भी लगता है कि रिलायंस का जो टारगेट बनता है करीबन 2500 का स्विंग ट्रेडिंग का एक पहला टारगेट होगा 2500, तो मैं रिलायंस का नेक्स्ट मंथ का 2380 का कॉल देख रहा था, 97 के आसपास है, तो प्रोबेबली आप अगर आप चाहते हो तो 2420 का भी कॉल ले सकते हो, तो मैं रिलायंस का कॉल यहाँ पे लूंगा 2420 का। मेरे पास स्ट्राइक प्राइस नहीं है, चाहे तो आप अपडेट कर लीजिए। 2400 का कॉल आप लेना चाहेंगे, याद रखिएगा। राजेश जी 2400 बोला ना आपने, मैं थोड़ा सा 2420 बेटर होगा। ओके, चलिए 2420 का कॉल आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। सिप्ला शैल जी 942.60, और यही एक स्टॉक जो है वो इस वक्त अपने हायर लेवल्स को सस्टेन करता हुआ। शैल जी बिल्कुल सही, और सिप्ला के साथ सन फार्मा निकला हुआ तेजी में 823.30। यहां पर राजेश सतपुते साहब को जोड़ेंगे, पसंद आपकी राजेश जी सिप्ला या सन फार्मा, क्या लगता है आपको? सर जी दोनों, सिप्ला भी चल रहा है और सन फार्मा भी चल रहा है। देखिए सिप्ला तो बाय ऑलरेडी दिया है और वो अपने डेज हाई पे चल रहा है, सन फार्मा देखिए 921 पे चल रहा है, कल का हाई इसने निकाला है, तो इसका एक स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट रहना चाहिए वो करीबन करीबन पहला टारगेट
834 वो निकले तो 850, तो सन फार्मा बाय करे 818 के ऊपर, 812 का स्टॉप लॉस। वीरेन जी, अब जरा बाजार जो है आप देखिए ध्यान दे रहा है अलायदा काउंटर्स के, निफ्टी के, और आप मिड कैप्स में खासी चहक देख रहे हैं। निफ्टी लाल निशान में है, लेकिन निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आपको हरे निशान में दिखेगा, 27 अंक ऊपर, और स्मॉल कैप इंडेक्स जो था वो तो आप देखिए दूसरे लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा पायदान पर। यहां पर आप 0.6% की वृद्धि देख रहे हैं 11,112 पर, और फार्मा की चहक तो आपके सामने स्क्रीन पर है ही। एक व्यू फार्मा पर और ले लेते हैं। हमारे साथ राजेश सतपुते साहब के अलावा जुड़े हुए हैं सचिदानंद उत्तेकर साहब। सचिदानंद जी, सन फार्मा आपके लिए